अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। बहुत दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। तो आज का व्लॉग ना मैंने अपने सैलून से ही स्टार्ट किया। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर जी मैं कुछ अपना भी काम करवाने आई थी और कुछ यहाँ पर देखें पार्टी मेकअप हो रहे हैं क्योंकि अब शादियों का सीज़न है। तो हमें भी जी जाना था रावणडहोर, जैसा कि मैंने पिछले दिनों आपको अपनी वीडियो में बताया कि बहुत ज़्यादा शादियां आ गई हैं। तो ये पहली शादी जो हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं तो ये है जी रावण जा रहे हैं। सुबह सुबह मैं सैलून आ गई थी तो अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई थी क्योंकि सुबह को सैलून इतनी जल्दी तो ओपन नहीं होता, लेकिन जब मैं आई 9:30 बजे तो स्टाफ इनका था, सैलून ओपन था। खैर वो अभी जो ऑनर है वो अभी ऊपर ही थी, वो सो रही थी, उनको फिर उठाया। फिर जैसे ही जी उन्होंने मेरा काम स्टार्ट किया और साथ ही उनके बाकी क्लाइंट भी आना शुरू हो गए और माशाल्लाह बहुत रश हो गया ना। और ये देखें जी ये मेरी फ़ाइनल लुक, तो बहुत अच्छा काम करती हैं ये। तो आपको मैं इनका सैलून फ़र्स्ट टाइम विज़िट करवा रही हूँ क्योंकि जो पहले वाला था वो तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा हुआ है। ये सेटअप इन्होंने नया लगाया तो एनिवर्सरी पर मैं इधर से रेडी हुई थी, बस टाइम नहीं था, फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, फटाफट से बस मैं रेडी होकर चली गई। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करवाऊं कि जहाँ से मैं काम करवाती हूँ। माशाल्लाह काम इनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जी वेलवेट कैमरा ड्रेस है, साथ देखें जी मेरे गोल्डन शूज़ हैं और इसके साथ ये दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत प्योर का है। और साथ ही जी ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरी फ़ाइनल लुक। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा है। और जैसे ही जी मैं सैलून से रेडी होके आई तो हस्बैंड मेरे भी नाश्ता कर चुके थे, वो भी बिल्कुल तैयार खड़े थे। बेटी ने उनको नाश्ता करवा दिया था, बस लाइट सा ही हमने नाश्ता किया। मैं भी एक स्लाइस और अंडा वगैरह खा के सैलून चली गई थी चाय पी के, हस्बैंड ने भी यही नाश्ता किया। तो ये देखें जी आप चप्पल की तरफ आपका ज़रूर ध्यान गया होगा कि मेरे हस्बैंड ने कौन सी चप्पल पहनी है। तो उन्होंने ना जो अपने शूज़ हैं वो गाड़ी में रख लिए हैं, लेकिन वो घर की चप्पल पहन के कहते हैं ईजी ड्राइव होगा, तो फिर वो वही पहन के जा रहे हैं अभी। तो मौसम फिर आजकल फैसलाबाद का स्मोक शुरू हो गई है, धुंध है, बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है और अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। खैर सुबह तो नहीं है अभी, ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, हम लोग थोड़ा लेट ही हो गए थे, लेकिन खैर हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे ना। तो जैसे ही बारात की एंट्री हुई उसके ठीक 10 मिनट के बाद हम भी एंटर हो गए, बस हम आगे पीछे ही जा रहे थे। तो अब जी जा रहे हैं हम लोग कनाल रोड वाली साइड से जाएंगे। तो ये देखें जी ये कनाल रोड वाली साइड है और फैसलाबाद में अभी भी थोड़ा सा मौसम ना गर्म सा है, इतनी सर्दी नहीं आई, तो हल्का हल्का है कि हम लोग एसी ऑन करके ही गए थे। तो मार्केट वगैरह में तो ये होता है ना कि वहाँ पे एसी चल रहे होते हैं तो ये हैवी सूट काम आ जाते हैं। खैर हैवी सूट तो मैं तो जून जुलाई में भी शादियों पर फैंसी ही पहनती हूँ, मैंने कभी ये लॉन के ड्रेस या ऐसे कुछ नहीं पहना, मैं प्योर का ही पहनती हूँ। अगर जून जुलाई में भी शादी आ जाए ना तो मज़ा जो है ना वो रेशमी कपड़े में ही आता है शादी देखने का। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, ये देखें जी लाहौर हम लोग एंटर हो गए हैं रावण वाली साइड पे और शादियाँ इतनी हो रही हैं, रास्ते में इतनी गाड़ियाँ मिल रही थी ना सजी हुई। और ये देखें यहाँ पे भी कोई बारात उसकी एंट्री होने वाली है तो काफ़ी रश था यहाँ पर ना। तो जी शादी जो है ना ये मेरे नेबर्स भी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, दोनों देवरानी जेठानी हैं, यकीन करें बहनों की तरह हैं ये, इतना प्यार करते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, मतलब हमारे ये फैमिली फ्रेंड है जिनके साथ हम लोग शादी पर जा रहे हैं। तो अब जी हम लोग मोटर वे पर एंटर हो गए हैं और ये धुंध देखें, लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा स्मोक है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम लोग मोटरवे के मतलब ज़्यादा जा रहे थे तो साइडों पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी धुंध थी ना साइडों से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और रावण शहर बहुत अच्छा है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। लाहौर तो हम लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि मेरी नंद भी रहती हैं इधर, लेकिन उनका बहुत ही अपोजिट साइड पर, और रावण बिल्कुल लाहौर का मुझे तो लगता कोई एंड ही है ना जहाँ पर रावण है। चलें जी कोई बात नहीं, दूर है नज़दीक है, जब किसी ने इतनी चाह से हमें इनवाइट किया तो हमें हमारा जाना बनता है ना, इसीलिए मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें इनवाइट किया है। और साथ ही यहाँ पे ना ये मैं आपको क्लच दिखा रही हूँ, ये भी वेलवेट का है, उसके ऊपर हैंडमेड काम हुआ है। तो ये ना हमारे इधर कनाल रोड पर ना एग्जीबिशन लगी थी और हर साल वो लगती है, तो ये जो हैंडमेड काम लेके आई थी कुछ लेडीज़ जो कि मुल्तान से आई थी, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था, मैंने 2 लिए थे। तो अब ये काम आ रहे हैं जी देखें हमारे, तो देखें जी बातों बातों में हम लोग रावण भी पहुंच गए। थोड़ी सी मैंने आपको रावण की सैर भी करवा दी और यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए हैं मार्की में और ये इन्होंने हमें वेलकम किया, ये राहत हैं और साथ ही इनके हस्बैंड हैं, इनके भाई हैं, बहुत अच्छा उन्होंने ना वॉर्म वेलकम किया मेरा और मेरे हस्बैंड का, बहुत अच्छा लगा।
के देखे ना कितनी चाहत से कोई इनवाइट करे, अगर हम लोग ना जाते तो कितना उनको बुरा लगता। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ना हमें वेलकम किया। और यहाँ पे फिर वो हमें लेके जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो चले गए थे जेंट्स वाली साइड पे, और मैं अब जा रही हूँ राहत के साथ आगे। वो कहती हैं जी आप लोग हमारे साथ स्टेज पे ही आके बैठे हैं। तो साथ ही जी खालदा है जो कि मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी हैं साथ ही। तो उनका वलीमा मैं आपको कल दिखाऊंगी, आज मैं आपको सिर्फ बारात दिखा रही हूँ। तो बस शादियों पे तो यही होता है कि जी कपड़े देखें, मैक्सी देखें इनकी कितनी खूबसूरत है, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जी हमने तो लेडीज़ ने देखनी होती हैं कि किसका कैसा मेकअप हुआ था, किसने कौन से सूट पहना था, कौन सी ज्वेलरी पहनी थी। हालांकि याद बाद में कुछ भी नहीं रहता किसी का कि क्या पहना क्या नहीं पहना। और यहाँ पे देखें जी खाने में सबसे पहले तो जी था रशियन सैलड, और उसके साथ था स्टीम चिकन और कबाब, साथ ही मटन का सालन था, बिरयानी थी, नान, गरम गरम रोटी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बहुत मज़े का खाना था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला बेटी के नसीब अच्छा करे, उसको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ताला सबके बेटियों के बेटों के नसीब अच्छे करें। देखें जी एक दिन के ये खाने के लिए, एक दिन के फंक्शन के लिए भाइयों की, बाप की कितनी एफर्ट होती है, कितनी दुआएं होती हैं। और माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कमी ना रहे किसी भी चीज़ में, मतलब जहेज से लेके शादी के फंक्शन तक, खाने तक, एंड तक हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला मेरे बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे देखें जी ये बेद का सामान, तो बेद भी बहुत ही अच्छी पैकिंग हुई है उनकी, और अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा था। अब देखें जी ब्राइड की एंट्री हो गई है, तो वो अपने भाइयों के साथ आ रही है। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत माशाल्लाह कपल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था दोनों। तो जी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो शादी जी ख़त्म हो गई है, अभी शादी खैर चल रही थी, फंक्शन उनके अभी होने थे, दूध पिलाई की रस्म और काफ़ी कुछ था, लेकिन मेरे हस्बैंड को जाना था, फिर हम लोग फ़ौरन वापस निकल आए 5:30 बजे। तो देखें कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। कहते हैं रायगढ़ ना छोटा सिटी है, लेकिन हमने जितना को भी देखा ना, हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।